हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ दादी माँ के छोटे छोटे लेकिन बहुत ही काम आने वाले घरेलू नुस्खे शेयर कर रही हूँ। नंबर एक, दाल बनाते समय दाल में एक छोटा टुकड़ा गुड़ डाल देने से दाल का स्वाद बढ़ जाता है, साथ ही खाने के बाद गैस भी नहीं होती है। नंबर दो, चाय में नया स्वाद देने के लिए खाए हुए नींबू के छिलके का एक टुकड़ा डालकर हल्का उबाल लीजिए, नए स्वाद की चाय तैयार हो जाएगी। नंबर तीन, सौंफ और मिश्री खाने से पेट की चर्बी कम होती है और ये आपको दिल की बीमारी से बचाएगा। नंबर चार, आलू का उबला हुआ पानी बालों में लगाने से बाल कभी सफेद नहीं होंगे। नंबर पाँच, पानी में नमक मिलाकर बाल धो लेने से जुएं खत्म हो जाती हैं। नंबर छः, खाली पेट अदरक का रस पीने से बूढ़े व्यक्ति का चेहरा भी जवान दिखने लगता है। नंबर सात, दांत पर कच्चे पपीते का रस लगाने से दांत और खुजली की समस्या कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। नंबर आठ, काम खत्म करने के बाद गाजर खा लेने से शरीर कभी थकता नहीं है। नंबर नौ, अगर काम करते वक्त सर में अचानक दर्द होने लगे तो थोड़ा नमक चाटने से सर का दर्द दूर हो जाता है। नंबर दस, ज़्यादा देर तक जागने से अकल कम हो जाती है। नंबर ग्यारह, ठंडी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है। नंबर बारह, तरबूज खाने से दिमाग शांत रहता है और गुस्सा कम आता है। नंबर तेरह, छाछ में गुड़ मिलाकर पीने से पेशाब में जलन होने का रोग मिट जाता है। नंबर चौदह, अदरक को कूटकर उसमें शहद मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को हफ्ते में दो बार बालों में लगाने से बालों का सफेद होना कम हो जाएगा। नंबर पंद्रह, रोजाना एक केला खाने से गुस्सा और चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। नंबर सोलह, टांगों या जिस्म में दर्द हो तो गर्म पानी से नहाने से आराम मिलता है। नंबर सत्रह, बेसन में दूध मिलाकर गर्दन पर रगड़ने से गर्दन का कालापन दूर हो जाता है। नंबर अठारह, सूर्योदय पूर्व 5 बजे उठकर 2 या 3 किलोमीटर घूमने जाना चाहिए। सूर्य आराधना से दिन का आरंभ करें, इससे एक शक्ति जागृत होगी जो दिल और दिमाग को ताजगी देगी। नंबर 19, शरीर को हमेशा सीधा रखें, यानी बैठे तो तनकर और चले तो भी तनकर, खड़े रहें तो भी तनकर, अर्थात शरीर हमेशा चुस्त रखें। नंबर 20, भोजन से ही स्वास्थ्य बनाने का प्रयास करें। इसका सबसे सही तरीका है भोजन हमेशा खूब चबा चबा कर आनंद पूर्वक करें ताकि पाचन क्रिया ठीक रहे, इससे कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। नंबर 21, ताजा हरा धनिया मसल कर सूंघने से छींके आना बंद हो जाती हैं। नंबर 22, सवेरे भूखे पेट 3-4 अखरोट की गिरियां निकालकर कुछ दिन खाने मात्र से ही घुटनों का दर्द समाप्त हो जाता है। नंबर 23, गले में खराश होने पर सुबह सुबह सौंफ चबाने से बंद गला
खुल जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ दादी माँ के ये नुस्खे आपके बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।